आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब मानव प्रजनन के अंतर्गत एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे कुछ छात्रों द्वारा मेरे को बताया गया ये वीडियो क्लीन नहीं आ रहा है, तो हमको पढ़ने में दिक्कत आ रहा है। मेरे लगभग कहना चाहिए 35 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें से केवल कहना चाहिए दो ही वीडियो है जो एकदम से क्लीन नहीं आ रहा है। तो मेरे छात्रों से मेरे पास फोन आया है, कुछ टीचरों से मेरे पास फोन आया कि कहना चाहिए माना में जो भ्रूणी विकास होता है वो स्पष्ट क्लीन नहीं दिख रहा है। तो मैं सोचा कि मैं फिर से इसका वीडियो बनाऊं और अपने छात्रों तक पहुंचाऊं, ठीक है जी। तो आप लोग मेरा जो YouTube चैनल है बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को जरूर दें, क्योंकि कहना चाहिए मेरे ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन पढ़ाई इनका कहना चाहिए फायदा अधिक से अधिक बच्चों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं मानव में भ्रूणी विकास एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, मानव में भ्रूणीय विकास इसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। लगभग कहने चाहिए 35 या 40 मिनट का एक पीरियड है ये, क्लियर। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भ्रूणी विकास के पहले मेल और फीमेल में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग और पीछे जाएंगे तो देखिए मैं यहाँ पर चित्र से स्पष्ट आपको करना चाहता हूँ, जैसे कि कहने चाहिए ये मेल है और ये क्या है फीमेल है। मेल में कहना चाहिए टेस्टिस होती है और फीमेल में क्या होती है ओवरी होती है। ये दोनों कहना चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको माना जाता है, मेल में टेस्टिस को और फीमेल में ओवरी को। टेस्टिस में कहना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है और क्या बनेंगे स्पर्म बनेंगे करोड़ों की संख्या में। फीमेल में ओजेनेसिस की क्रिया होती है और फीमेल में ओजेनेसिस की क्रिया होती है तो कितने ओम बनती है केवल एक बनती है, यह हो गया आपका ओम, ठीक है। ये क्रिया निरंतर होती रहती है चाहे मेल और फीमेल के बीच में मैथुन क्रिया हो चाहे ना हो। मेल जैसे ही कहना चाहिए 14-15 साल और फीमेल कहना चाहिए जैसे ही 13-14 साल की होती है तो कहना चाहिए उसमें गेमेटोजेनेसिस की क्रिया होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे इसमें होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और इसमें होती है यूजेनेसिस, दोनों को मिलाकर हम लोग क्या नाम दे देते हैं गेमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन, ठीक है। तो कहना चाहिए मान लो मेल और फीमेल दोनों के बीच में क्या होता है त्राश होता है, मैथुन की क्रिया होती है। तो मेल का कहना चाहिए जो स्पर्म होता है वो फीमेल के शरीर में जाकर ओहम को क्या कर देती है फर्टिलाइजेशन कर देती है, क्लियर। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा डिप्लॉयड जायगोट द्विगुणित कोशिका। पहले क्या होती है स्पर्म क्या है हैप्लॉइड सेल्स है, अंडाणु क्या है हैप्लॉइड सेल्स है, हैप्लॉइड सेल्स है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 23, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 23। जब दोनों आपस में कहना चाहिए फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, वही डक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है, तो यहाँ पर कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉयड जायगोट बनती है ये क्या होती है डिप्लॉयड होती है, मतलब इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है 46, ठीक है। तो कहना चाहिए इसको मैं चित्र की सहायता से बताता हूँ आप लोग को मैं, ये फीमेल का कहना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये ऑर्गन है, मादा जनन तंत्र का क्या है ये ऑर्गन है, क्लियर। ये कहना चाहिए एक जोड़ी ओवरी, ये दोनों क्या है एक जोड़ी ओवरी, इसमें होती है एक जोड़ी वही डक्टा, इसको आजकल फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है आजकल फेलोपियन ट्यूब। तो एक जोड़ी ओवरी एक जोड़ी वही डक्टा और एक क्या होती है यूटेरस मतलब गर्भाशय, ये कहना चाहिए फिमरी है, ये क्या है
फिमरी, ये फिमरी कहना चाहिए, ये ओवरी है, ओवरी से कहना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जब अंडाणुओं का निर्माण होता है 14वें दिन में, तो ये फिमरी अंडाणु को क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग जानते हैं अंडाणु क्या होती है, अचल होती है, और शुक्राणु क्या होती है, चल होती है। तो अंडाणु अचल है तो यहाँ से यहाँ तक किसके माध्यम से जाती है, वास्तव में यहाँ पर फिमरी होती है जो अंडाणु को क्या करती है, बड़ी प्यार से उसको अवशोषित करती है, और अवशोषित करने के बाद इसमें सिग्रेटेड एपिथेलियम टिश्यू होती है, इस सिग्रेटेड एपिथेलियम टिश्यू की सहायता से अंडाणु यहाँ तक पहुँचती है, फेलोपियन ट्यूब तक। और ये कहने की ये क्या है, वेजाइना है, और यहाँ पर यूटेरस, और ये क्या है, वेजाइना। यहाँ पर एक सक्रिय नलिका होती है, इस सक्रिय नलिका को कहना चाहिए सर्विक्स कहा जाता है, ग्रीवा। ठीक है, दो कहना चाहिए यूटेरस और वेजाइना के बीच स्थित होती है। यहीं पर एक और आर्गन होती है गोलाकार छोटी सी, ये कहना चाहिए उत्तकों का बना होता है, ये कहना चाहिए इसको क्लाइटोरिस कहते हैं, ये कहना चाहिए मेल के पेनिस के समझात होता है, मतलब मेल में जो पेनिस होता है उत्तेजित आर्गन, उसी प्रकार से फीमेल में क्लाइटोरिस क्या होती है, उत्तेजित आर्गन होती है। ठीक है, अब ये कहना चाहिए मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है। अब इस फीमेल का मेल के साथ में मान लो कहना चाहिए मैथुन की क्रिया होती है, तो मैथुन की क्रिया के बाद में अंत में, मतलब बाह्य स्खलन के समय, इजेकुलेशन के समय, इसमें कहना चाहिए फीमेल के वेजाइनल आर्गन में करोड़ों की संख्या में शुक्राणु जाती है। कितनी की संख्या में जाती है, करोड़ों की संख्या में। तो कहना चाहिए यहाँ से अधिकांश शुक्राणु अंदर तो जाती है, लेकिन जनन नलिका क्या होती है, सक्रिय होती है, एसिडिटी होती है, और इधर गर्भाशय है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते जाते, यहाँ तक आते आते केवल कहना चाहिए ये आसपास में 100 की संख्या में कहना चाहिए शुक्राणु पहुंचती है, मतलब वो 6 करोड़ से अधिक था, लेकिन अधिकांश क्या हो गया, जाते 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 डेथ हो गया। ठीक है, तो शुक्राणु अंडाणु की ओर क्यों जाता है, क्योंकि दोनों में एक दूसरे के प्रति हार्मोन पाए जाते हैं, फर्टिलिन और एंटी फर्टिलिन, जो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। हमको पता है फीमेल में कहना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो अल्टरनेट होती है, एक बार कहना चाहिए राइट ओवरी में और एक बार लेफ्ट ओवरी में। यदि कहना चाहिए लेफ्ट ओवरी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो अंडाणु यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, तो चूंकि कहना चाहिए अंडाणु मैं यहाँ पर बनाया हूँ, तो आप लोग को समझ लेना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस ओवरी में हुई है, राइट ओवरी में हुई है। ठीक है जी, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, यदि लेफ्ट में मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है तो अंडाणु यहाँ रहती है और शुक्राणु इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को कहना चाहिए आकर्षित करती है, क्लियर। अब यहाँ पर कहना चाहिए 100 की संख्या में शुक्राणु आएंगे, तो ये जो अंडाणु होता है इसमें दो कहना चाहिए क्या होती है, पोल ध्रुव, एक होती है सक्रिय ध्रुव और एक होती है निष्क्रिय ध्रुव, एक होती है सक्रिय ध्रुव और एक होती है निष्क्रिय ध्रुव। तो शुक्राणु हमेशा किस ओर से एंट्री करती है, इसको पूछा जाता है कई बार, अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश तो करती है लेकिन किस ओर से प्रवेश करती है, ये अभी कहना चाहिए व्याख्याता के निमित्त व्याख्याता में ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो एक को बोलेंगे सक्रिय ध्रुव और एक को बोलेंगे निष्क्रिय ध्रुव। तो हमेशा याद रखना शुक्राणु अंडाणु में उसी ओर से प्रवेश करती है जिस ओर सक्रिय ध्रुव पाई जाती है, इंग्लिश में उसको कहा जाता है एनिमल पोल, और निष्क्रिय को कहा जाता है वेजिटल पोल। मान लो कहना चाहिए नीचे को हम लोग वेजिटल पोल मान लेते हैं, निष्क्रिय ध्रुव मान लिए, तो यहाँ पर शुक्राणु यदि पहले भी आ जाएगा ना तो प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, वो सक्रिय ध्रुव से ही प्रवेश करेगा, जैसे ही सक्रिय ध्रुव में प्रवेश करती है यहाँ पर एक कोन बनती है, उस कोन को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कोन, इसको मैं एक चित्र की सहायता से आगे जस्ट आप लोगों को और बताऊंगा। ठीक है, उस चित्र में और क्लियर हो जाएगा, अभी यहाँ पर इसको इतना ही अध्ययन करते हैं, मतलब शुक्राणु किस ओर से एंट्री करेगा, सक्रिय ध्रुव की ओर, और ये अंडाणु क्या है, हैप्लॉइड, और शुक्राणु क्या है, हैप्लॉइड, और दोनों मिलते हैं आपस में, फ्यूजन करती है, सलयन होती है, उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसमें होती है, फेलोपियन
क्यूब में होती है। क्लियर, इसको मैं आगे चलकर एक चित्र से और बताऊंगा। क्लियर, उसके बाद कहना चाहिए देखिए डिप्लॉयड जायगोट तो बन गया, क्या बन गया डिप्लॉयड जायगोट, और डिप्लॉयड जायगोट कहां पर है अभी, वही डक्ट में है। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन होने की क्रिया में लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है, मतलब 2.5 घंटे में ही मेल है कि फीमेल है क्या बनेगा, ये 2.5 घंटे में क्या हो जाती है क्लियर हो जाती है। जो कहने चाहिए फीमेल का जो अंडाणु है ये हमेशा इस पोजीशन में रहेगा 22+X, दूसरा रहेगा ही नहीं। आप लोगों को इसको मैं सेक्स डिटर्मिनेशन में भी पढ़ाया हूं। ठीक है, जब हम लोग जेनेटिक्स के अंतर्गत जाएंगे तो एक सेक्स डिटर्मिनेशन है, उसमें भी मैं लिंग निर्धारण की क्रिया को बताया हूं। तो फीमेल में कहना है कि हमेशा जो ओहम बनेगा वो क्या रहेगा 22+1 सही रहेगा। यदि कहना चाहिए मेल में दो प्रकार की बनती है, जैसे कि 22+1 50% शुक्राणु इस प्रकार से रहेंगे और 22+1 50% शुक्राणु इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मेल का पोजीशन क्या होता है 44+XY, ये मेल है। ठीक है जी, तो इसको दो भागों में बांट देते हैं, जो 44 है उसको 22 और XY, एक में X कर दिए और एक में Y कर दिए। अब यदि कहने की अंडाणु है, अंडाणु में पोजीशन वही रहेगा, हमेशा यही रहेगा। ठीक है, मान लो कहने की ये पहले प्रवेश करती है, 50% शुक्राणु ये है और 50% ये है। मान लो कहना चाहिए 22+1 से शुक्राणु इसमें प्रवेश करती है, मतलब फर्टिलाइजेशन करती है, तो क्या बनेगा वो फीमेल, क्या बनेगा फीमेल, क्योंकि क्या हो जाएगा 44+X हो जाएगा। और यदि संयोगवश इनसे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये एंट्री नहीं करता है, ये शुक्राणु जब कहना चाहिए एंट्री करता है, तो क्या बनेगा ये मेल बनेगा, क्या बनेगा मेल, क्यों क्या हो जाएगा ये 44+XY। तो ये केवल कहने की एक संयोग होता है कि उसमें ये इस स्पर्म उसमें प्रविष्ट करता है या फिर ये क्लियर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में, मान लो कहना चाहिए 16 करोड़ शुक्राणु है, तो 8 करोड़ क्या है इस प्रकार का है और 8 करोड़ क्या है इस प्रकार से। जब इधर से करोड़ों की संख्या में जाती है तो संयोग वश या तो ये फर्टिलाइजेशन करेगा या फिर ये फर्टिलाइजेशन करेगा, तो 50-50% संभावना होती है कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। क्लियर, तो ये हो गए आप लोगों का डिप्लॉयड जायगोट। अभी जो डिप्लॉयड जायगोट बना है ये केवल कहना चाहिए 5 दिन 4, 5, 6 दिन यहाँ पर रहती है, कहाँ रहती है वही डक्टर, और 4-5 दिनों बाद ये इस बीच में कहना चाहिए 4-5 दिनों में क्या होगा क्लीवेज की क्रिया होगा और मोरूला की क्रिया होगा। तो क्लीवेज और मोरूला की क्रिया कहाँ होती है वही डक्टर में होती है, और मोरूला के अंत में ये जायगोट यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ चली जाती है यूटेरस में चली जाती है, मतलब मोरूला स्टेज के बाद डिप्लॉयड जायगोट का वही डक्ट से यूटेरस में जाना क्या कहलाता है इम्प्लांटेशन, क्या कहलाता है इम्प्लांटेशन, मतलब यहाँ आकर वो प्रत्यारोपित हो जाती है, और यहीं पर आगे चलकर कहना चाहिए 9 मंथ तक क्या होगा भ्रूणीय विकास होगा। केवल 4-5 दिन को छोड़ देते हैं, मानव में फीमेल में कहना चाहिए गर्भधारण काल कितने दिनों के होती है 9 माह 280 दिन, तो 280 दिन में कहना चाहिए केवल 4-5 दिन तक डिप्लॉयड जायगोट कहाँ रहती है वही डक्टर में, उसके बाद आगे का कहना चाहिए 286 दिन में संपूर्ण भ्रूणीय विकास कहाँ पर होगा यूटेरस में होगा। क्लियर, तो देखिए पहले मैं आप लोग को केवल पॉइंट में बताता हूँ कि एक चित्र की सहायता से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया है मेल फीमेल दोनों के बीच में क्रॉस, ठीक है, इसमें स्पर्म बनेंगे इसमें ओहम बनेंगे, दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होगा और फेलोपियन ट्यूब में होगा, उसके बाद क्या बनेंगे डिप्लॉयड जायगोट बनेंगे। ये डिप्लॉयड जायगोट ही आगे चलकर 9 माह में क्या बनाती है चाइल्ड बनाती है। तो देखिए पहला क्या होगा क्लीवेज, दूसरा क्या होगा मोरूला, आगे क्या होगा प्लास्टुला, आगे क्या होगा गेस्टुला,
गैस्टुला के बाद क्या होगा, थ्री लेयर का निर्माण। गैस्टुला के अंत में थ्री लेयर का क्या होगा, निर्माण होगा। ये थ्री लेयर ये आगे चलकर संपूर्ण भ्रूण का क्या करेगा, निर्माण करेगा। उसके बाद गैस्टुला से भ्रूण का निर्माण होगा, गैस्टुला से भ्रूण का निर्माण होगा। उसके बाद कहना चाहिए भ्रूण का क्या पढ़ेंगे, पोषण। भ्रूण का क्या पढ़ेंगे, पोषण मतलब न्यूट्रिशन। उसके बाद लास्ट में है प्रसव, जिसको इंग्लिश में चाइल्ड बर्थ या फिर डिलीवरी भी कहा जाता है। क्लियर, तो इतना पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, इस पॉइंट को याद रख लेंगे आप लोग। पहला आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन, फिर डिप्लॉयड जायगोट, फिर क्लीवेज, फिर मोरूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, फिर गैस्ट्रुला के अंत में थ्री लेयर का निर्माण, फिर गैस्ट्रुला के बाद में कहना चाहिए भ्रूण का निर्माण, फिर भ्रूण का पोषण और लास्ट में चाइल्ड बर्थ प्रसव डिलीवरी। इतना अध्ययन करेंगे, क्लियर। तो मैं इनका कहने से एक चित्र बता रहा हूँ, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला का, ठीक है। उस चित्र को आप लोग बनाएंगे, जो मैं चित्र बता रहा हूँ वो पुस्तक में उतने अच्छे से नहीं दिया गया है। मैं एक चित्र बता रहा हूँ, उस चित्र को आप लोग बनाएंगे यदि ये क्वेश्चन आएगा तब। क्लियर, ये चित्र दिख रहा है जी। इस चित्र को आप लोग एक बार पढ़ते पढ़ते स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, क्योंकि ये चित्र आपको बुक में नहीं मिलेगा। जो बुक में जो चित्र है बहुत सिंपल चित्र है, उससे अच्छा मैं चित्र बता रहा हूँ मैं उच्च स्तरीय बुक से। इस चित्र को आप लोग पढ़ेंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। और यदि आप लोग बनाते हैं और ऐसी कलर बना देंगे कलर पेंसिल में, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेगा। क्लियर, तो देखिए चित्र बहुत ही सिंपल चित्र है ये। देखिए ये किसका चित्र है, ये फर्टिलाइजेशन का चित्र है। किसका चित्र है ये, फर्टिलाइजेशन। देखिए क्या है ये, ये क्या है जी, ये अंडाणु है। ये क्या है, ये अंडाणु है। ये अंडाणु कहना चाहिए कहाँ पाई जाती है, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पाई जाती है, फेलोपियन ट्यूब में। तो अभी आप लोग को बताया था मैं फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो शुक्राणु कहना चाहिए करोड़ों की संख्या में जाती है, वेजाइना से होते हुए अंडाणु तक करोड़ों की संख्या में जाती है, लेकिन मैं बताया था वहां तक केवल सैकड़ों की संख्या में पहुंचती है, मतलब केवल 100 के आसपास पहुंचती है। और ये भी बताया था अंडाणु में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल मतलब सक्रिय ध्रुव और वेजिटल पोल मतलब निष्क्रिय ध्रुव। सक्रिय ध्रुव, निष्क्रिय ध्रुव, हमेशा याद रखेंगे। शुक्राणु हमेशा कौन से ध्रुव से प्रवेश करती है, एनिमल पोल से। एनिमल पोल की तरफ साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, प्लाज्म पाए जाते हैं, जबकि वेजिटल पोल के अंतर्गत क्या पाई जाती है, कुछ मात्रा में योग पाई जाती है, ठीक है। वैसे मानव अंडाणु में योग लगभग नहीं होती है, ठीक है। तो कहना चाहिए इस ध्रुव में यदि कोई पहले शुक्राणु भी आ जाएगा तो भी यहां से एंट्री नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि शुक्राणु हमेशा किस ध्रुव से प्रवेश करती है, एनिमल पोल से। तो जैसे ही शुक्राणु यहाँ पर आती है तो यहाँ पर पहले एक उभार बनेगा, इस प्रकार से क्या बनेगा, ये उभार बनेगा सक्रिय ध्रुव में। उस उभार को इंग्लिश में कहा जाता है फर्टिलाइजेशन कोन, निषेचन शंकु, ठीक है। उसके बाद कहना चाहिए जो शुक्राणु यहाँ पर आया है, इस शुक्राणु के अग्रभाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। शुक्राणु का अग्रभाग क्या कहलाता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम किससे बना होता है, गॉल्जी बॉडी नामक ऑर्गन से बना होता है। और एक्रोसोम से एक कहना चाहिए एंजाइम का सेक्रेशन होता है, उस एंजाइम का नाम आप लोग याद रख लेंगे। सामान्य शब्दों में इस एंजाइम को क्या कहा जाता है, स्पर्म लाइसिन, क्योंकि ये स्पर्म से बनता है, स्पर्म लाइसिन। लेकिन इसका कहना है कि रासायनिक नाम क्या होता है, हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम,
हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम। ये एंजाइम क्या कार्य करता है, ये जो अंडाणु होती है इनकी जो झिल्ली होती है, इनकी क्या होती है, झिल्ली होती है, इस झिल्ली में क्या पैदा कर देती है, छिद्र पैदा कर देती है। क्या पैदा कर देती है, छिद्र पैदा कर देती है। और छिद्र पैदा करने के बाद ये शुक्राणु कहना चाहिए अंडाणु में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। क्लियर। यही से क्वेश्चन बनता है, नेट में कई बार आया हुआ है, कैपेसिएशन क्या है, कैपेसिएशन क्या है। नाम अटपटा लग रहा है, कैपेसिएशन उसको बोलते हैं जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है उस समय शुक्राणु अपने आकार में थोड़ा सा चेंजेज लाता है, अपने फिजियोलॉजिकल मार्फोलॉजिकल क्या कर लेता है, चेंजेज कर लेता है। और चेंजेज लाने के बाद शुक्राणु अंडाणु में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो उसी जो चेंजेज लाती है शुक्राणु एंट्री करने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, कैपेसिएशन कहा जाता है। क्लियर। तो पहला चित्र किसका है, फर्टिलाइजेशन। ये शुक्राणु, केवल एक शुक्राणु प्रवेश करेगा, आप लोग याद रखेंगे अंडाणु में हमेशा एक ही शुक्राणु प्रवेश करेगा, शुक्राणु में भी 23 क्रोमोसोम और अंडाणु में भी 23 क्रोमोसोम, तो दोनों मिलकर कितना बना लेती है, 46। दो शुक्राणु कभी भी प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि एक शुक्राणु जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा, देखिए एक शुक्राणु इसमें जैसे ही प्रवेश करेगा ये निषेचन शंकु खत्म हो जाती है और ये क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है, ये क्लोज हो जाती है, और इसमें दूसरा शुक्राणु प्रवेश कभी भी नहीं कर सकते हैं इसमें, बल्कि आसपास में जो शुक्राणु है ये डिप्लॉयड जायगोट बनेगा, निषेचन के बाद जस्ट क्या बनेगा, डिप्लॉयड जायगोट। ये अन्य शुक्राणु डिप्लॉयड जायगोट को क्या प्रदान करेगा, पोषण प्रदान करेगा। समझ में आया, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये क्रिया कहाँ हो रही है, फेलोपियन ट्यूब में। क्लियर। अब ये बन गया डिप्लॉयड जायगोट। देखिए अगला चित्र क्या लिख दिया हूं मैं, फर्टिलाइजेशन एक, मतलब ये अंडे क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। क्लियर। अंडाणु में एक पोलर बॉडी होता है, ये आगे चलकर खत्म हो जाती है, पोलर बॉडी का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें पोलर बॉडी दिखेगा और इसमें पोलर बॉडी दिखेगा और अगला चित्रों में पोलर बॉडी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो भ्रूण निर्माण भाग नहीं लेता है, आगे चलकर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन एक, इसमें कहना चाहिए दो सेल्स है, एक अंडाणु का है और एक क्या है, शुक्राणु का है। अब इस चित्र में देखिए डिप्लॉयड जायगोट, दोनों आपस में क्या हो गए हैं, विलय हो गए हैं, दोनों आपस में मिल गए, तो यहाँ पर कहना चाहिए एक बना दिया। क्लियर। अब एक बन गया है, ये डिप्लॉयड जायगोट है, ये क्या है, ये डिप्लॉयड जायगोट। अब ये डिप्लॉयड जायगोट कहना चाहिए, ये जो डिप्लॉयड जायगोट इसमें आगे चलकर कौन सी क्रिया होती है, क्लीवेज, आगे चलकर कौन सी क्रिया होती है।